हेलो एवरीवन वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास अगेन चैप्टर सेकंड सॉल्यूशंस एंड लेक्चर नंबर इज एट टॉपिक है हमारा आज का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टी बी तो ये है क्या दिस इज द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं है ना तो ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ द सल्यूशन विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सल्यूट आर कॉल्ड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज़ तो ये हमने फोर टाइप की क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज़ देखी थी दैट इज रेलिटिव लोबरिंग इन बेपर प्रेशर जो हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज एलिवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट तो यही हमें आज डिस्कस करना है तो सबसे पहले देखते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द प्रेशर मतलब बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब वेपर्स का जो वेपर प्रेशर होगा वेपर्स कौन से जो लिक्विड हम बॉयल कर रहे हैं और जिस प्रेशर से वो बॉयल हो रहा है दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर तो वो वेपर प्रेशर अगर बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं और आपने इससे पहले की जो क्वालिकटी प्रॉपर्टी है दैट इज़ रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर उसमें देखा था कि जब भी किसी सॉल्वेंट में लाइक like हम वाटर में ही वाटर का खुद का कुछ वेपर प्रेशर होगा और अगर उस वाटर में हम कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है वो कम हो जाता है है ना मतलब नॉन वल्टाइट सॉलिड डालने से सोल का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा जिसको हम कहते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ठीक है मीन्स जो डिक्रीज हुआ है वेपर प्रेशर में उसको बढ़ाने के लिए हमको टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा यानी बॉइलिंग पॉइंट हमको एलिवेट करना पड़ेगा ठीक है तो वो जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है उसी को हम कह देते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मीन्स उस टेम्परेचर पे जब हम सॉल्वेंट में कोई नॉन वेलिटाइज सोल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर में जो कमी आती है उसको दूर करने के लिए हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं ठीक है और वो कंडीशन इज़ दिस कि सॉल्वेंट में कोई हम नॉन वैलेटाइज सोल्यूट ऐड करेंगे तब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा और वो किस लिए होता है सो so दैट जो हमारे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए ओके okay? इसे हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं लाइक like ये हमने ग्राफ प्लॉट किया है वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर तो सपोज हमने कोई भी सॉल्वेंट लिया लाइक like वाटर लिया और वाटर का वेपर प्रेशर कुछ होगा हम आपको ये भी पता है कि टेम्परेचर और वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं जितना टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा तो सपोज ये कोई सॉल्वेंट या वाटर है उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ठीक है और तब तक जब तक कि वो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ना हो जाए तो दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ठीक है इसको हम नीचे तक अगर इंक्रीज कर देते हैं बढ़ा देते हैं तो ये जो टेम्परेचर आएगा ना दिस वन इज़ टी बी नॉट प्योर सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर है वो है टी बी नॉट ठीक है अब सपोज इस सॉल्वेंट में अगर हमने कोई नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड कर दिया तो सी बात है कि जो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का था, था उसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी क्यों क्योंकि वो सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है ठीक है तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कमी आ जाएगी और उस कमी को पूरा करने के लिए टेम्परेचर को हम और बढ़ाएंगे और तब तक जब तक कि उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अगेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ना हो जाए तो ये जो पॉइंट है दिस वन दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ़ सॉल्यूशन टी बी तो ये पॉइंट था टी बी सॉल्वेंट का टेम्परेचर बॉइलिंग टेम्परेचर एंड टी बी इज़ द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ तो जितना इसमें इंक्रीज हुआ दिस डिफरेंस दिस इज़ कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी मीन्स आप कह सकते हैं कि जो डेल्टा टी बी है दैट इज़ पहले सॉल्वेंट का कम थार टेम्परेचर बॉइलिंग टेम्परेचर और सोल्यूशन का क्या हो गया बढ़ाना पड़ा एलिवेट करना पड़ा तो टी बी बॉयलिंग टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट दिस इज टी बी डेल्टा टी बी इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ठीक है ये रिलेशन हो गया इसका एक ये जो है ना सॉल्यूशन का ये भी पर सॉल्वेंट का था और जो नीचे वाला है वो सोल्यूशन का है ठीक है क्योंकि इसके भी प्रेशर में कमी आई ठीक है ये एंड दिस एक्सप्रेशन इज़ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ डेल्टा टी बी। बट अगर हम एक्सपेरिमेंटली देखें जो देखा गया कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है मोलालिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डेल्टा टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के स्मॉल एम और यू कैन ऑल्सो राइट डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम एंड के बी इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सटेंट एंड विच इज़ कॉल्ड एज एलिवेशन और इसका जो दूसरा नाम है दिस इज एब्योलियोस्कोपिक कॉन्सटेंट ठीक है तो के बी क्या है एब्यलोस्कोपिक कॉन्सटेंट या फिर मोलल एलिवेशन कॉन्सटेंट अब आप ये कैसे प्रूव करेंगे कि डेल्टा टी बी एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है ठीक है तो ये भी इसी फॉर्मूले से हमें पता लग जाएगा दैट इज डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इन स्मॉल एम अब स्मॉल एम या मोलिटी क्या होता है दिस इज एन बी अपॉन में डब्लू ए तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एन बी अपॉन डब्लू ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई मास और वेट ऑफ सॉलवेंट ठीक है इसका मतलब है जो डेल्टा टी बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एन बी के डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन बी के एंड दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इज अ कॉलिकेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ पता लग गया हमको कि ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के उस पर डिपेंड करती है और इसी फॉर्मूले से हम के बी भी डिफाइन कर सकते हैं दैट इज डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इन टू स्मॉल एम इफ़ एम इज इक्वल टू वन देन के बी विल बी इक्वल टू डेल्टा टी बी मीन्स एम वन है यानी फॉर वन मोलल सोल्यूशन के बी एब्यूलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड इसकी यूनिट क्या है यूनिट क्या होगी इसकी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डेल्टा टी बी स्मॉल एम इज इक्वल टू के बी ठीक है तो डेल्टा टी बी तो टेम्परेचर है कैलविन में होगा और स्मॉल एम मोलिटी की यूनिट क्या होती है मोल पर के जी तो कैलविन और के जी पर मोल कैलविन के जी पर मोल इज अ यूनिट ऑफ के बी मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट और इसी फॉर्मूले से हम सॉलिड का मोलर मास भी डिटरमाइन कर सकते हैं तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम तो के बी इंटू स्मॉल एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं डब्लू बी अपॉन एम बी दैट इज़ गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे तो डब्लू ए था ही मोलरिटी के लिए है ना एन बी अपॉन में डब्लू ए इंटू थाउजेंड अगर ये डब्लू ए ग्राम में है तो ठीक है तो डेल्टा टी बी इज़ इक्वल टू दिस अब यही एम बी हम इधर रख सकते हैं और डेल्टा टी बी हम इधर रख देंगे तो हम एम बी भी इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं तो एम बी इज़ इक्वल टू के बी इंटू डब्लू बी इंटू थाउजेंड अपॉन में डेल्टा टी बी इंटू डब्लू ए ठीक है ग्राम में और ये हमारा आ जाएगा मोलर मास ऑफ सल्यूट उसका फार्मूला आ जाएगा बाय यूजिंग डेल्टा टी बी और इसी फार्मूले से एक हम एल का न्यूमेरिकल भी कर लेंगे ठीक है तो क्वेश्चन इज दिस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज थ्री फिफ्टी थ्री पॉइंट टू थ्री कैलविन बेंजीन इज सॉल्वेंट तो सॉल्वेंट का यानी प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो है थ्री फिफ्टी थ्री पॉइंट टू थ्री कैलविन तो ये क्या हो गया टी बी नाट टी बी नाट इज इक्वल टू थ्री फिफ्टी थ्री पॉइंट टू थ्री कैलविन वन वन पॉइंट एट जीरो ग्राम ऑफ नॉन वालेटाइल सोल्यूट इज डिज़ोल्ड तो ये क्या है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का वेट मीन्स डब्लू बी इज इक्वल टू वन पॉइंट एट जीरो ग्राम डिजॉल्ड इन नाइन्टी ग्राम ऑफ बेंजीन बेंजीन अगेन सॉलवेंट है और ये सॉलवेंट का मास है गिवन है ठीक है तो डब्ल्यू ए हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट का जो मास है दैट इज़ नाइन्टी ग्राम द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज मीन्स बढ़ाना पड़ा टू थ्री फिफ्टी फोर पॉइंट वन वन का बॉइलिंग पॉइंट टी बी ये हो जाएगा मतलब कोई सॉल्वेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर इतना था जब हमने 1.80 पॉइंट एट ऐड किया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के इतना हो गया मीन्स अगर हम टी बी माइनस टी नाट बी कर देंगे तो यू विल गेट डेल्टा टी बी डेल्टा टी बी पता लग जाएगा हमें है ना तो डेल्टा टी बी अभी मैंने हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा था डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी सोल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर माइनस सॉलवेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर ठीक है इसको हम माइनस कर देंगे थ्री फिफ्टी फोर पॉइंट वन वन माइनस थ्री फिफ्टी थ्री पॉइंट टू थ्री कैलविन और ये आ जाएगा जीरो पॉइंट एट एट कैलविन डेल्टा टी भी टेम्परेचर हम कैलविन में ही रखेंगे ऐसा यूनिट होती है ठीक है तो डेल्टा टी भी आ गया अब हमें फॉर्मूला अगेन पता है एम बी इज़ इक्वल टू के बी इंटू डब्लू बी थाउजेंड डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए सारी वैल्यूज पुट कर देंगे के बी इज़ ऑलरेडी गिवन एन अ स्टेटमेंट टू पॉइंट फाइव थ्री कैलविन के जी पर मोर टू पॉइंट फाइव थ्री डब्लू बी हमारा वन पॉइंट एट ज़ीरो इंटू थाउजेंड और डेल्टा टी भी आया था जीरो पॉइंट एट एट कैलविन और डब्ल्यू ए गिवन है नाइन्टी ग्राम ठीक है ग्राम में लेंगे थाउजेंड था। से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आएगा हमारा फिफ्टी सेवन पॉइंट फाइव ग्राम पर मोल एंड दिस इज द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड दैट इज़ द आंसर तो बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला ऑफ एलिवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट आप बहुत सारे इसके स्किनरिकल्स कर सकते हैं ईजीली ठीक है तो आई होप आपको टॉपिक एलिवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट क्लियर हो गया होगा दैट इज द सेकेंड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी एंड नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस थर्ड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी एंड दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ओके तो थैंक यू फॉर वॉचिंग